वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया नीटिंग कंपनी। आज मैं अपने चैनल पर बटरफ्लाई बनाना सिखाऊंगी। तो बटरफ्लाई का यूज़ बहुत जगह है, बच्चों के माँ बाप कोई फ्रॉक वगैरह बनाते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। बटरफ्लाई से अपने हेयर बैंड बना सकते हैं। बटरफ्लाई को अपन वो टिच वाली हेयर पिन होते हैं उसमें भी लगा कर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नोट बनाएंगे, उसके बाद में आठ चैन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, और इस लूप को स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ये हमारा लूप बन के तैयार हो गया। इस लूप में अब हम अपना पैटर्न आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन। अब हम इसी लूप में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया ये और एक चौथा ये चैन वाला। तो टोटल चार डबल क्रोशिया हो गए। अब दो चैन लेंगे, फिर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी लूप में, एक, दो, तीन, चार, फिर दो चैन लेंगे, एक, दो, फिर चार चैन, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। तो हम इस पैटर्न में चार डबल क्रोशिया, दो चैन, चार डबल क्रोशिया, दो चैन करते हुए हम इस पूरे पैटर्न को पूरा करते हैं। आइए मिलते हैं। हमने हमारा फर्स्ट राउंड पूरा कर लिया है और लास्ट में हम ये जो तीन चैन थी उसकी सबसे लास्ट वाले खाने में इसको हम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। इस तरह से हमारे इस लूप में ये आठ पॉइंट बने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, आठवां यहाँ है ना। अब हम पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए सेकंड राउंड करते हैं। तो सेकंड राउंड करने के लिए स्टिच लेते हुए हम इस होल में आ गए। अब इस होल में हम सबसे पहले तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, तीन ये और चौथा चैन वाला। तो चार डबल क्रोशिया बना दिए। अब दो चैन बनाएंगे, फिर इसी होल में चार डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार। फिर हम नेक्स्ट होल में आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर दो चैन, फिर चार डबल क्रोशिया लेते हुए हम हमारा पूरा राउंड करते हैं। आगे मिलते हैं। हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें आठ पेटल बने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब इसको हम स्लिप स्टिच से इसमें जोड़ देंगे और धागा कट कर लेंगे।
धागा कट कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया। अब हम अपना दूसरा कलर यूज करेंगे। हमारा थर्ड राउंड चालू हो रहा है। हम हमने ऊन बदल ली है, न्यू ब्लू ले ली है और यहाँ से हम ये सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। हम नया धागा जोड़ेंगे। अब हम इस लूप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6। और इस मतलब बटरफ्लाई में इस बात का ध्यान रखना हमारे डबल क्रोशिया थोड़े लंबे अच्छे लगेंगे, उससे इसकी वो जो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। एक, दो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः डबल क्रोशिया बन गए हमारे। छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद में दो चैन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन चैन लेकर पिकॉट बनाएंगे। पिकॉट बनाएंगे, स्लिप स्टिच से इसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारी पिकॉट छोटा लूप तैयार हो गया। वापस इसी चैन में छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसी होल में, दो, छः। तो हमने इस होल में 6 डबल क्रोशिया बनाए, फिर तीन चैन बनाई, फिर पिकॉट बनाया, इसी पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, फिर वापस इसी होल में 6 चैन बनाई। और अब हम नेक्स्ट उसमें होल में आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह हम अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, आगे मिलते हैं। हम हमारा आखिरी राउंड समाप्त कर रहे हैं, पूरा कर लिया हमने। और हर पीक पॉइंट पर, हर पेटल में हमने 6 डबल क्रोशिया, 3 चैन बनाई, फिर उसकी लूप को बंद करते हुए पिकॉट बनाई, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में आ गए 6 डबल क्रोशिया, 3 चैन बनाकर पिकॉट बनाई, फिर 6 डबल क्रोशिया। इसलिए इससे ऐसा करते हुए हमें पूरा राउंड पूरा कर लिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ बंद कर देते हैं। अब हम हमारी बटरफ्लाई को शेप देंगे। ये अभी तो आपको गोला दिख रहा है, गोला दिख रहा है ना। अब हम बटरफ्लाई का शेप देंगे। तो इसके लिए आई ना शेप देंगे। और ये जो हमारा धागा है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, इस धागे से इसको इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में इधर ऊपर तक हम चैन बनाएंगे। एक, और इसको सिक्योर करने के लिए पीछे से लिया हमने, नीचे से इसको धागा खींचते हुए चेन बनाएंगे। और यहाँ बिल्कुल होल तक आ जाएंगे। ये बन गई। अब उसके बाद में हम 7 चेन लेंगे, 7 चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच
6, 7 अब एक चैन को स्किप करते हुए इसमें 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 2 ऊपर से नहीं लेना, सिंगल क्रोशिया लेना, 3 4 5 5 और ये लास्ट में 6। फिर वापस हम वापस 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी अब एक चैन को स्किप करते हुए 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी बटरफ्लाई बन के तैयार हो गई है, देखिए इसके 2 एंटीना भी तैयार हो गए बनकर, और ये सारा चैन भी बना लिए बांधने के लिए, और आगे से भी रेडी है ये। आपको ये आज का पैटर्न बटरफ्लाई का कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।